हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 39 जो है इसका पार्ट 2 हम यहाँ पर देखेंगे। पार्ट 2 में हम यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहले देखते हैं। पहले पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहाँ पर सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 3 है आज का, श्वेता पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड रुपीज 80,000 एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवल्स परचेज फ्रॉम सोलापुर। देखिए, श्वेता पीयूष और नचिकेत इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके लिए उन्होंने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। और उनका जो बिजनेस था वो कैसा था, तो सेलिंग शीट्स एंड टॉवल्स परचेज और सोलापुर। श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज रुपीज 30,000, उसके बाद एंड पीयूष रुपीज 12,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%। व्हाट वॉज नचिकेत इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वॉज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इन तीनों ने कितने कितने रुपए शेयर इन्वेस्ट किए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो ये यहाँ पर हमें श्वेता और पीयूष इन दोनों ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए हैं वो यहाँ पर दिए हैं। तो हमें नचिकेत ने कितने रुपीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं वो हमें यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय श्वेता इज इक्वल टू रुपीज 30,000, इन्वेस्टमेंट बाय पीयूष इज इक्वल टू 12,000 और इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हम यहाँ पर एक्स कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्स नचिकेत के रुपीज यहाँ पर निकालने हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज कितने आए, 18,000। टोटल कितने इन्वेस्ट किए तीनों ने मिलकर, 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए है। हम यहाँ पर कर लेते हैं, देयर फोर 30,000 प्लस 12,000, यहाँ पर 30,000 प्लस 12,000 प्लस एक्स, तीनों के हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इज इक्वल टू कितने आते हैं, 80,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। आगे हम क्या क्या करेंगे, देखिए 30,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 42,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80,000। अभी हमें क्या करना है, एक्स मतलब यहाँ पर नचिकेत ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स निकालना है, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 80,000 और यहाँ पर जो 40,000 रुपीज है वो यहाँ पर हमने लिया तो होते माइनस। तो एक्स इज इक्वल टू 80,000 माइनस 42,000 इज इक्वल टू क्या आता है, 80,000 माइनस 42,000 किया तो आते हैं 38,000 रुपीज। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 38,000, इन दोनों की हमने माइनस की तो आता है 38,000 रुपीज। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत इज रुपीज 38,000। तो नचिकेत ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 38,000। तो और उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, 24% प्रॉफिट हुआ है। तो हर एक को कितना कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए, नचिकेत रिसीव 24,000 प्रॉफिट ऑन 38 रुपीज। तो नचिकेत का 24% प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कितने रुपीज मिले हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो देखिए, देयर फोर नचिकेत रिसीव 24% प्रॉफिट ऑन द रुपीज 38,000। नचिकेत ने 38,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, उसको 24,000 प्रॉफिट हुआ, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर रुपए में निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते, लेट द प्रॉफिट इन बाय नचिकेत बी रुपीज एक्स। हम उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, उसके रुपीज कितने रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ हम यहाँ पर एक्स कंसिडर कर लेते हैं। देन एक्स इज इक्वल टू 24% ऑफ 38,000। 24 अपॉन क्या करेंगे हम यहाँ पर, 100 करेंगे, 24% है तो हम 24 अपॉन 100 करेंगे मल्टीप्लाई 38,000। तो हमारा आंसर कितना आता है, देखिए यहाँ पर 20 गए, यहाँ पर 20 गए, हम यहाँ पर करेंगे 24 मल्टीप्लाई 380 और हमारा आंसर आता है 9,120। तो नचिकेत ने कितना रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 9,120। इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत 38,000, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 9,120 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट रुपीज 24,500 इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5।
सॉरी 3:7 है, ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द सोल्जर्स सोल्जर्स वेलफेयर फंड. व्हाट वॉज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू फंड बाय ईच ऑफ देम. देखिए ए और बी ये दोनों है, इन्होंने इनको 24,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. उनका रेशियो था इन्वेस्टमेंट का वो था 3:7 था. तो ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द सोल्जर्स वेलफेयर फंड. उन्होंने क्या किया कि उनका जो प्रॉफिट हुआ उससे 2% जो अमाउंट है वो क्या किया उन्होंने सोल्जर वेलफेयर फंड में फंड को दे दी. व्हाट वॉज द एक्चुअल अमाउंट गिवन द फंड बाय ईच ऑफ देम. तो उन दोनों ने एक एक ने उस फंड को आखिर कितनी अमाउंट दी, ठीक है, ये हमें यहाँ पर निकलना है. तो देखिए द प्रॉफिट इज द शेयर इन द रेशियो 3:7 है. प्रॉफिट कितना है 3:7 है, इसका रेशियो 3:7 है. लेट लेट ए गेट रुपीज 3x और देन बी गेट्स रुपीज 7x. 3:7 है तो हमने उसे x कंसिडर कर लिया, जो प्रॉफिट x कंसिडर कर लिया, ठीक है. तो ए का कितना हुआ, ए का 3 है तो 3x हो गया, और बी का कितना हुआ 7 है तो 7x हो गया. टोटल प्रॉफिट और रुपीज 24,500, ठीक है. टोटल प्रॉफिट कितना है 24,500. यहां तक समझ में आया. हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x प्लस 7x करेंगे इज इक्वल टू कितने आते हैं 24,500 रुपीज, क्योंकि दोनों को मिलाकर इतना प्रॉफिट हुआ है ना, समझ में आया. अभी देखिए 3 प्लस 7 हुए 10, तो 10x इज इक्वल टू 24,500. अभी हमें x की कीमत यहाँ पर निकालनी है, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 24,500 अपॉन क्या करेंगे हम 10 करेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर जीरो गया जीरो गया, तो आंसर कितना आता है 2,450 रुपीज. एक्स इज इक्वल टू 2,450. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3x किया था हमने a का यहाँ पर, तो 3x मतलब 3x इज इक्वल टू 3 × 2,450. तो आंसर आता है इज इक्वल टू 7,350. एंड 7x क्या क्या करेंगे, 7x इज इक्वल टू 7 × x मतलब 7 × 2,450, क्योंकि x की कीमत कितनी है 2,450. तो 7 × 2,450 इज इक्वल टू 70,150. तो प्रॉफिट रिसीव बाय ए इज 7,350 एंड बी इज क्या आता है 70,150, ठीक है. तो देखिए 2% उन्होंने क्या किया उस सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दे दिया. तो कितने रुपीज दिए है हमें यहाँ पर निकालने हैं, तो 2% ऑफ रुपीज 7,350. इन्होंने ए ने क्या किया 7,350 उसकी जो रुपीज है उसमें से 2% उसने क्या किए सोल्जर वेलफेयर फंड को दिए. तो कितने रुपीज दिए हमें यहाँ पर निकालने हैं ना. तो यहाँ पर क्या करेंगे 2% ऑफ रुपीज 7,350 इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाय 7,350. तो देखिए यहाँ पर एक जीरो गया, यहाँ पर एक जीरो गया. देखिए 5 × 2 = 10 हो गए, और यहाँ पर 5 × 1 = 5. देखिए 5 × 2 = 10 हो गए, यहाँ पर 5 × 1 = 5, फिर यहाँ पर 2 रह गए तो यहाँ पर 23 हो गए. 5 × 4 = कितने हुए 20 हुए, फिर यहाँ पर कितने रह गए 3 हो गए, और 5 × 7 = कितने हुए 35 हो गए. तो 147, ठीक है, 147 रह गए. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2. आंसर आता है वो रुपीज 147, ठीक है. और यहाँ पर देखिए बी का जो है रेशियो वो भी हम यहाँ पर निकलते हैं. बी ने भी यहाँ पर 2% रुपीज दिए है, तो बी के रुपीज कितने हुए 2% ऑफ रुपीज 70,150 इज इक्वल टू 2 upon 100 × 70,150. तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर एक जीरो गया, यहाँ पर एक जीरो गया. 5 × 2 = 10, यहाँ पर 5 × 3 = 15 हो गए, ठीक है. यहाँ पर कितने बजे, यहाँ पर 2 बजे, यहाँ पर तो यहाँ पर हो गए 21. तो 5 × 4 = हो गए फिर से 20, ठीक है. और फिर यहाँ पर कितने बचे,
वन बचा तो यहाँ पर 15 हो गए, तो 5 3 15, ठीक है, 3 4 3, 3 4 3 हो गए यहाँ पर, यहाँ पर आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 1 2 2 1 2, तो आंसर कितना आया, ₹343। समझ में? और डोनेटेड ₹147 ए ने किया, ए डोनेटेड ₹147 एंड बी डोनेटेड ₹343। समझ में? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, ये चारों है, इन्होंने कितने रुपीज इन्वेस्ट किया है, 3,60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए है इन अ बिजनेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4, 4:7, 7:6, ठीक, 3, 4, 7, 6, ये इसका रेशियो है। मतलब जया 3, सीमा 4, निखिल 7 और नीलेश 6, ठीक है। व्हाट वाज द जया एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक। देखिए जया ने एक्चुअल कितने यहाँ पर शेयर इन्वेस्ट किए हैं, कितने रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, और दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% और उसको 12% प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक और निखिल को भी कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमें यहाँ पर निकालना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4, 4:7, 7:6, इस तरह से हम यहाँ पर प्रोपोर्शन लिख लेते हैं पहले। फिर लेट जया इन्वेस्टेड ₹3x, जया ने 3x रुपीज इन्वेस्ट किए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सीमा, निखिल एंड नीलेश, सीमा के कितने है हो गए 4x, निखिल के 7x और नीलेश के कितने हुए 6x रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक समझ में आए? फिर क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट थी 3,60,000, तो वो लिख लेते हैं। अभी देखिए देखिए इन चारों की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे पहले, इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x + 4x + 7x + 6x इज इक्वल टू 3,60,000। देयरफॉर यहाँ पर x यहाँ पर 3 + 4 + 7 + 6 इज इक्वल टू आते हैं 20x इज इक्वल टू 3,60,000। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की कीमत निकालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज अपॉन 20। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो गया, एक जीरो गया, फिर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2 आ गए, फिर यहाँ पर 1 रह गया, 2 8 जा गए 16, और फिर 1 2 3 3 0 रह गए ऊपर। समझ में? तो आंसर आता है हमारा x इज इक्वल टू 80,000। तो जयाज इन्वेस्ट इज रुपीज 3x इज इक्वल टू 3 × 80,000 इज इक्वल टू 54,000। उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 12% हुआ। तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट ऑन द 3,60,000 रुपीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू 12 upon 100 upon multiply 3,60,000 रुपीज। इसका आंसर आता है 43,200। किस तरह से निकालने, हमने यहाँ पर 2 0 गए 2 0 गए और 12 मल्टीप्लाई क्या किया हमने, 12 × 36,000, ठीक है, इसका आंसर आता है 43,200 रुपीज। तो निखिल इन्वेस्ट रुपीज, निखिल के हमें निकालना है, तो निखिल ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए थे, 7x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7x आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट 20x, 20x इन इन्वेस्टमेंट है टोटल, तो उसमें 7x किसके थे, निखिल के थे। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 7x upon 20x मल्टीप्लाई 43,200 रुपीज इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर, 7 upon 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 43,200। तो इसके हम यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पर 2 0 गए 0 गए, फिर 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 1 2, यहाँ पर 1 बचता है, तो 2 6 12, ठीक है, फिर 1 0, तो हम क्या करेंगे, 7 × 2 1 6 0 और आंसर आता है, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 15,120। समझ में? तो आंसर हम लिखेंगे, जयाज इन्वेस्टमेंट इज ₹54,000 एंड निखिल मेड अ प्रॉफिट
ऑफ रुपीज 50,120। समझ में? तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के जो एग्जांपल्स थे, प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स थे, वो यहाँ पर सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिस सेट जो हमारा 39 है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। दो पार्ट में हमने यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट है वो देखा है, पार्ट वन और पार्ट टू। आप दोनों यहाँ पर वीडियो देख लेना। ये जो क्वेश्चन है काफी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करते जाते हैं तो काफी सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 40 में। तब तक के लिए बाय बाय।